तो गाइस आज का यह वीडियो हमारा किसी टॉपिक पर नहीं होने वाला, किसी ऐप्स पर नहीं होने वाला, ना कि किसी पैसे कमाने से रिलेटेड ऐप पर होने वाला है, क्योंकि आज का यह वीडियो हम जो है अपनी बात बताने के लिए बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि आज हमारे एक वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। वो भी आज हमने दोपहर में वही 12 बजे के समथिंग बनाया था, उसके बाद में 1 बजे के समथिंग अपलोड किया था। अपलोड करने के बाद में 2 से 2.5 घंटे मेरा वीडियो चला, चलने के बाद में उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए, उसके बाद में उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। जी हाँ दोस्तों, मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। YouTube पर हमें तो वीडियो अपलोड करने का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ रिक्वेस्ट वगैरह लगाई तो उससे वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिल गया, जिससे मैं आज का यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज, ये मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला क्यों, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक ऐप के बारे में रिव्यू किया था, उस ऐप के बारे में बताया था, जैसे कि कुली नंबर 1 मूवी आज ही रिलीज हुई थी, तो उसके बारे में हमने बताया कि इसे आप जो है आज ही फुल एचडी में कैसे देख पाओगे, तो मैंने उसकी जानकारी दी। मैंने कोई वो मूवी अपलोड नहीं की थी अपने चैनल पर, लेकिन बस उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन वो उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ था, तो उसके ऑनर के पास इसका मैसेज गया तो उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। तो गाइज, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक हटेगा कैसे। अब तो मुझे 3 महीने वेट करना पड़ेगा, 3 महीने बाद ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन 3 महीने तक मुझे काफ़ी सोच समझ कर वीडियो बनाना होगा, क्योंकि अगर मेरी एक भी गलती हुई तो मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 स्ट्राइक ही वैल्यूएबल होती हैं। जैसे हार्ट अटैक के लिए 3 ही बार चांस मिलता है, वैसे इसमें भी 3 बार ही चांस मिलता है। अगर 3 बार में तीनों बार स्ट्राइक आ गई तो ऑटोमेटिक मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, मैं उसे सुधार नहीं सकता। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, फर्स्ट स्ट्राइक आई, मेरी 2 साल की मेहनत पानी में चली गई। इसीलिए मैं YouTube को कहना चाहूँगा, ये धोखे की एक प्रकार की टट्टी है। जी हाँ दोस्तों, YouTube पर आप काम कर रहे हो, पता नहीं कब इस पर आपको स्ट्राइक मिल जाए और आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। वही मेरे साथ हुआ आज। काफी समय मैंने YouTube को दिया, अभी मेरे फर्स्ट मंथ की ही इनकम आई थी, वैसे ही मेरे साथ ये झंड काम हो गया। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि YouTube के गाइडलाइंस के खिलाफ था, तो YouTube ने जो किया अच्छा किया। अब वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अगर मैं मैसेज भी करता हूँ उसका रिप्लाई मिलेगा कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। मैंने फिलहाल मैसेज डाल दिया है, अब उसका देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो हमें कॉपीराइट क्लेम मिला है, जो कि आपको ईमेल आईडी के थ्रू हम दिखा रहे हैं, और इसे हम आपको डैशबोर्ड पर भी जाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हो एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है, यहाँ पर 3 में 1 दिखा रहा है, यानी कि 3 बार स्ट्राइक आना चाहिए, तो 1 बार स्ट्राइक आया है। अगर 2 बार और स्ट्राइक आ जाता है इसी बीच में तो मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। अगर टर्मिनेट हो जाता है मेरा चैनल तो आगे से मैं यूट्यूब तो करने वाला नहीं, क्योंकि मेरे 2 साल की पूरी मेहनत इस पर लगी है। 2017 में शुरू किया, 19 में चैनल मोनिटाइज हुआ और 20 में मैंने इनकम जनरेट की। तो कितना समय लगा, समथिंग 3 साल के करीब लग गया। 3 साल अगर मैंने कहीं और दिए होते तो चांस तो नहीं थे कि मेरा टाइम वेस्ट होगा या कुछ भी होगा, लेकिन मेरा इसमें काफ़ी समय वेस्ट हुआ। और स्ट्राइक कोई भी कहीं से भी मार देता है, मैंने इतना कुछ गलत उसमें कंटेंट नहीं डाला था, लेकिन अब स्ट्राइक आ चुकी है तो उसे मैं हटा भी नहीं सकता। अब उसका तो मैं 3 महीने वेट ही करूँगा, और मैंने अपने वीडियोज़ में काफ़ी सुधार किया, जो देखा मुझे वीडियो अलग लग रहे हैं तो उनको मैंने हटा दिया अपने चैनल से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2 और स्ट्राइक आ जाए, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग अगर YouTube पर वीडियोस बनाते हो तो थोड़ा सोच समझकर वीडियोस अपलोड करना कि ये YouTube के पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है। अगर उसके पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है तो आपके भी चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है, स्ट्राइक आने से आपका चैनल बर्बाद भी हो सकता है। तो आप लोग कुछ सोच समझकर ही वीडियोस बनाना, वीडियोस ऐसा बनाना कि उसमें किसी की बुराई ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐप पेड है, यानी कि वो पैसा दे रहा है, मतलब कि जैसे कोई ऐप है उसको चलाने के लिए उसमें पैसा देना पड़ता है, जैसे कि अमेजन प्राइम हो गया, उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर उसे आप लोगों को फ्री में दिखाओगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। इसी हिसाब से बहुत सारे ऐसे ऐप्स या कुछ भी हैं वो पेड होते हैं, और उन्हें आप फ्री में चलाने के ट्रिक बताते हो तो इससे कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांस 100 के 100% हो जाते हैं। यही मेरे साथ आज हुआ, क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ ज़्यादा गलत नहीं बताया था, बस ये बताया कि यहाँ से आप मूवी देख सकते हो आज ही के दिन। मैंने मूवी देखी
और मूवी फुल एचडी में थी, तो मैंने सोचा जानकारी दे दो। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि इस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, लेकिन अब आ गया है तो उसे झेलना है, 3 महीने तक वेट करना है। तो गाइज आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा आज के इस वीडियो में। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर हमारे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जब तक चल रहा है तब तक देखिए, अगर बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।